वन डे आर ऑम डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पार्ट फोर न्यू टॉपिक न्यू टॉपिक में देखेंगे सेकंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इस लोकेशन अराउंड द एकवाटर तो ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ का आबोहवा कैसी होती है हॉट होत होती है क्योंकि वहाँ लोकेशन अराउंड कैसा होता है एक्वाटर होता है इवेन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट फिफ्टीन डिग्री ऊंच सेल्सियस तो जब कोल्डेस्ट मंथ होता है तो वहाँ का टेम्परेचर हायरली कितना होता है हायर देन फिफ्टीन डिग्री उच सेल्सियस होता है ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस फोर्टी डिग्री अंश सेल्सियस जब हॉट समर्स होता है तब वहाँ का टेम्परेचर कितना क्रॉस हो जाता है फोर्टी डिग्री और सेल्सियस क्रॉस हो जाता है डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर तो वहाँ का पूरा ईयर का डेज एंड नाइट का लेंथ इक्वल ही होता है दिस विजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेन तो उस रीजन में ज्यादा बारिश होती है एन इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फोरस्ट रेन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट फ्यूचर है क्योंकि वहां ज्यादातर बारिश होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न एंड इन इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाउंड होते हैं वेस्टर्न गर्स में इंडिया में आसाम में साउथ ईस्ट एशिया में सेंट्रल अमेरिका में सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे फाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन क्योंकि वहाँ कंटिन्यूअस वार्म एंड रेन होता ही है दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो उन रीजन में काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटी होती है द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर तो वहाँ पे मेजर डाइफ के एनिमल वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में मेजर डाइफ के एनिमल्स रहते हैं कौन से कौन से मंकीस एप्स गोडिल्स टाइगर्स एलिफेंट लेपर्स लिजर्ड स्नैक बर्ड्स एंड इंसेक्ट तो ये सब एनिमल्स है वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं लेट एस रीड अबाउट द एडेप्टन ऑफ दिस एनिमल्स टू होट हु क्लाइमेट तो जब होट एंड हुमिथ क्लाइमेट होता है तो एनिमल्स वहाँ के एडेप्टसन कैसे करते है the क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनोरोमस नंबर एन वेराइटी ऑफ एनिमल्स तो वहां पर जो भी क्लाइमेट कंडीशन होती है तो रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर यानी लार्ज नंबर में एनिमल्स रहते हैं और काफ़ी सारी वेराइटी है तो काफी होती है एनिमल्स की तो रेन फॉरेस्ट में उन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उन उन लोगों को काफ़ी हाईली सुटेबल होती है नंबर्स आर लार्ज देर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर तो वहाँ पे एनिमल्स का नंबर है वो लार्ज है तो इसीलिए फूड एंड सेल सेल्टर के लिए वहाँ कंपटीशन होती है मैन एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं ट्रीज़ के ऊपर ही वो अनुकूलन करते हैं रेड आई फ्रॉग फिगर नंबर सेवन पॉइंट सेवन एज डेवलप स्टिकी पेड ऑन इट्स फिट्स टू हेल्प इट क्लाइंट ट्रीज ऑन विच इट लिव्स तो रेड आइट फ्रॉग क्या करते हैं तो उसकी फिर से क्या करते हैं स्टिकी पेड्स डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है वो टिस्ट के ऊपर क्लाइम करते हैं और तो उसके ऊपर जो भी रहते हैं उसके ऊपर वो वहाँ रहते हैं उसके ऊपर वो इसीलिए टिस्ट के ऊपर क्लाइम कर पाते हैं टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज Monkeys have long tails for grasping branches. तो, तो कौन रहते मंकीस भी रहते हैं तो उसके क्या होते हैं लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस होते हैं तो फिगर नंबर सेवन पॉइंट एट में हम देखेंगे तो उसकी टेल्स कैसी होती है लॉन्ग होती है देर हैंड्स एंड फिट आर शर्ट देट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द्रांचेस तो उसका हैंड्स एंड फिट ऐसे होता है कि वो ब्रांचेस को इजिली वो होल्ड कर पाते है यानी वो इजिली उसको पकड़ पाते हैं स्टूडेंट लुक एट दिगर नंबर सेवन पॉइंट सेवन रेड आइट फ्रॉक तो रेड आइट फ्रॉक कैसा है वो स्पीकर में हम देखेंगे ओके okay. यहाँ देखेंगे फिगर नंबर सेवन पॉइंट एट में ऑल द स्टूडेंट लो गेट द फिगर नंबर सेवन पॉइंट एट अ न्यू वर्ल्ड मंकी तो कैसा मंकी है वह स्पीकर में दिखाया गया है ओके okay. तो जो फ्रांचिस होती है उसके ऊपर कैसे बैठा है और उसकी टेल कैसी है वो स्पीकर में दिखाया गया लॉन्ग टेल होती है उसकी एस देर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रिचेबल तो वहाँ फूड के लिए कंपटीशन होती है और काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो फुट के बाद इसी रीचेबल भी नहीं होते फुट के बाद पहुँच भी नहीं पाते तो वो अपने आप वो एडेप्टेड कर लेते अपने आप वो अनुकूलन कर लेते हैं अ स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड टोकन विच पोसेज अ लॉन्ग लार्ज बिग टो यहाँ पे नया बर्ड से टोकन तो उसके क्या होते हैं लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट तो उसके अब से टोकन क्या करते हैं ब्रांचेस के ऊपर जो भी फ्रूट है उसको रीच करते हैं एंड वहाँ क्या करता है अदरवाइज वो क्या करता है वो ब्रांचेस के ऊपर चल तो जाते हैं क्लाइंस तो कर पाते हैं तो ब्रांचेस कभी भी जो भी वीक होती है तो वो उसका वेट सपोर्ट नहीं कर पाती मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव इरिंग साफ आई साइट ठीक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प डेम टू कैमोफ्लैप बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग तो काफ़ी सारे ट्रॉपिकल्स एनिमल्स होते हैं तो उसकी सेंसिविटी हियरिंग साफ आइट ठीक स्किन स्किन कलर विच हेल्प द केमोपो ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग तो उसकी सेंसिटि वो सब अच्छी होती है तो उसकी हिसाब से क्या होती है तो उसके सराउंडिंग यानी उसकी स्किन का कलर भी उसी टाइप वो अनुकूलन कर पाते हैं तो उसकी टाइप से वो स्किन का कलर भी अनुकूलन करते हैं दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेक्टर्स तो प्रेडेक्टर से वो इसलिए वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि जैसी भी सराउंडिंग जैसी भी चीज़ें होती है तो उसके हिसाब से वो सब चेंजेस कर लेते हैं फ्राम एग्ज़ाम्पल बिग कैट्स यानी लायन्स एंड टाइगर्स हैव ठीक स्किन एंड सेंसीटिव हियरिंग तो बिग कह रहे हैं लाय लायन्स एंड टाइगर का क्या है ठीक स्किन है उसकी सेंसीटिव हियरिंग भी अच्छी है तो ऑल द स्टूडेंट लुक द दिगन नंबर सेवन पॉइंट नाइन टोकन तो उसका हम इधर देखेंगे ये तो सब ब्रांचेस होती है तो क्या है टोकन है ओके okay. उसके बाद देखेंगे फिगर नंबर सेवन पॉइंट टेन में लायन टेट मका क्यू तो उसके बाद हमें ये दे ही देखने वाले हैं द लायन डेड मका क्यू अल्सो कॉड बियड एप लिवस इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स फिगर नंबर सेवन पॉइंट टेन तो लायन डेड मका को यानी इसको कहते बियड एप भी कहते हैं ज्यादातर क्या होते हैं रेनफ़ोर्स के वेस्टर्न घाट में ज्यादातर वो रहते हैं तो कैसा है वो इस फिगर में दिखाया गया है इस मोस्ट आउटस्टैंडिंग फ्यूचर इज द सिल्वर व्हाइट मैन सराउंड्स सराउंड ड फ्रॉम द डाउन टू इट चीन तो उसका बहुत मोस्ट आउथिंग फ्यूचर्स क्या है सिल्वर वाइट मैन है तो वो विथ्स अराउंड द हियर से लेके चिक्स डाउन द चेन तक सिल्वर वाइट मैन पूरा उसको बॉडी पे होता ही है इट इज़ अ गुड क्लाइंबर ग्रुप क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री तो ग्रुप क्लाइंबर है और उसका ट्रिस्क के ऊपर ही वो ज़्यादातर उसकी लाइफ टिस्क के ऊपर ही स्पेन करता है इट फिट्स मेनली ऑन फ्रूट्स इट ऑल्सो इट्स यंग लीव्स स्टिम्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स तो वो ज़्यादातर क्या खाता है फ्रूट्स खाता है सीड्स खाता है या डिवस काटा है स्टैंप्स काटा है फ्लावर्स एंड बर्स भी वो खाता है दिस बियर ऐप अल्सो सर्च फॉर इन्सेट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री तो बियर एड ऐप क्या क्या करता है तो ट्री का जो भी बार्क होता है उसके अंडर का जो इन्सेट्स होता है वो भी सर्च करके वो खाता है सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन द ट्रिस्ट इज रेरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड तो उसको ट्रिस्ट के ऊपर ही उसको सफिसंस फूड ट के ऊपर ही मिल जाता है तो ग्राउंड के ऊपर वो रेरली ही ग्राउंड के ऊपर आता है नहीं तो वो ग्राउंड के ऊपर नीचे आता ही नहीं है ज़्यादातर उसकी लाइफ ट्रिस के ऊपर ही स्पेंड करता है अनदर वेल नो एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट इज द एलिफंट फिगर नंबर सेवन पॉइंट इलेवन तो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा कौशन दूसरे एनिमल्स है कौन सा है एनिमल्स है तो ऑल द स्टूडेंट लुकेट द फिगर नंबर सेवन पॉइंट इलेवन एंड इंडियन एलिफंट तो एलिफेंट कैसा होता है सब तो आपने देखा ही है तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है एलिफेंट कैसा होता है कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज तो इन रेन कंडीशन रेन फॉरेस्ट कंडीशन में वो लोग वो कैसे अनुकूलन करते हैं लुक एट इस ट्रंक तो उसके ट्रंक को देखे इट यूज इट हैज नोस तो उसका यूज कैसे करता है वो नो से उसका यूज करता है बिकॉज ऑफ विच इट इज इट हैज अ स्ट्रोंग सेंस ऑफ स्मेल तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल कैसे है स्ट्रॉन्ग है द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई पिकिंग अप फूड तो ट्रंक का यूज लिए करता है वो फूड का पैकिंग करने के लिए टंग का यूज करता है मोर ओवर इस मॉडिफाइड टिट तो उसका टीट भी कैसे मॉडिफाई किया होता है दिस कैन टियर एंड बार्क ऑफ द ट्रिज दैट एलिफेंट लव टू ईट तो वो क्या खाता है किसका का जो बार्क होता है तो वो वो ज़्यादातर ईट करता है क्योंकि वो एलिफेंट को सबसे प्रिय है सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रर्डर वेल तो एलिफेंट जो लोग होते हैं वो फूड के कंपटीशन में वो इजीली दूसरे से वो हैंडल कर पाते है लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स हेल्प इट टू ईयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड एलिफेंट्स के जो भी लार्ज ईयर्स होते हैं तो किसके हेल्प करते हैं वो वेरी सॉफ्ट साउंड भी उसको सुनाई देता है दे ऑल्सो हेल्प टू एलिफेंट टू कीप कूल इन द होट एंड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट तो रेनफॉल्स के अंदर जो एलिफेंट है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है हॉट एंड ह्यूमिड अब हवा जब होती है तब उसको क्या करता है कूल cool करता है वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो